Hello everyone, welcome to all of you. My name is Pooja Rawat and in today's session I'll be discussing the eligibility criteria for the NABARD grade examination, like who are the people who can actually appear in this exam. Alright, so there are certain conditions with respect to age or educational classification, right? There are certain reservations for certain sections of people, so we'll discuss that in detail. Alright, so before we further go, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you'll be updated with the upcoming exam notifications, right? And we'll also be sharing these PDFs on our Telegram channel, right? Let us start. So if you talk about the people who can actually prepare for the NABARD exam or who can actually sit in this exam, there are certain criteria. First one is your educational qualification. Alright, give me a second. Then there is a bar of age, right? And then there are this reservation for certain sections of the people. Now first thing, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? इन सारे ही सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, बट वन शुड नो दैट इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन, राइट, फॉर दिस NABARD ग्रेड ए पोजीशन, ही और शी कैन अप्लाई इट ओनली फॉर वन डिसिप्लिन, राइट? इफ फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अप्लाइंग इन अ जनरल डिसिप्लिन, देन ही और शी माइट नॉट बी एबल टू अप्लाई एट द सेम टाइम फॉर अदर डिसिप्लिन्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस, सो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है RDBS, दैट इज द रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, एंड देन वी हैव असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट फॉर द राजभाषा सेक्शन. सो देयर आर दो सेक्शंस, टू सेक्शंस, एंड उनके बीच में भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं. तो फर्स्ट तो आपकी जनरल कैटेगरी आ जाती है कि जिसमें सारे ही डिसिप्लिन्स के जो स्टूडेंट्स हैं, सारे ही बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. देन देयर आर स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्स, फिनेंस एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये जो सेक्शन है ये मैंने NABARD नोटिफिकेशन से ही पिक किया है, ठीक है? तो इतने डिसिप्लिन्स में आप जो फॉर्म है पोजिशन के लिए, इस पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम यू कैनॉट अप्लाई फॉर अनदर डिसिप्लिन, राइट? तो साइमल्टेनियसली आप दो डिसिप्लिन में अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दीज डिसिप्लिन. सो फॉर द जनरल सेक्शन, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी अ स्टूडेंट हु इज पासिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट और स्ट्रीम, ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ NABARD grade A RDBS general discipline, right? And he should get minimum of 60% marks, ठीक है? तो 60% marks होने चाहिए आपकी graduation में. और जो लोग हैं for example SC, ST या फिर persons with benchmark disabilities, they need to score at least 55% marks. तो bachelor degree में जो लोग SC, ST या PWBD इस category को belong करते हैं, उनके लिए minimum परसेंटेज जो है दैट इज 55%, एंड बाकी लोगों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए दे नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन देयर ग्रेजुएशन. और ठीक है, ये तो ग्रेजुएशन में, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है सो ही और शी कैन बी अ MBA और PGDM विद अ मिनिमम ऑफ 55%. तो पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, एंड SC, ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं उनको 50% मार्क इज मिनिमम, राइट? अदर डिसिप्लिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थी, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, सो पीपल हु आर अप्लाइंग इन दीज कैटेगरीज दे शुड हैव अ बैचलर डिग्री इन दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन ओनली, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेस्ट्री सेक्शन में अप्लाई कर रहा है, डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहा है, तो ही और शी शुड हैव अ डिग्री इन फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री होना चाहिए, MSc फॉरेस्ट्री होना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली अगर हॉर्टिकल्चर में कर रहा है तो BSc हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम से या फिर MSc हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम से. तो
whatever stream they are applying, they should have that particular stream as a main subject in their graduation, right? So if you are forestry, mein, toh this should be your forestry should be your main subject in your degree course or in your postgraduate course, right? So these are the requirement for this is the educational qualification that is required to apply for the position of NABARD grade A, right? And then those who are applying for the assistant manager in Rajbhasha category, he or she should possess a degree or graduation degree in the language, for example, English or Hindi. Okay? So language mein inka graduation ya pe post graduation hona chahiye. This should be the main subject in their graduation. Right? Now, ab kuch log hote hain, for example, mostly jo ki BTech ya BE kar rahe hote hain, unke yahan GPA chalta hai, theek hai? CGPA ya OGPA chalta hai, to wo 10 point ka scale hota hai, jisme ki aapko 10 mein se marks milte hain. Ab isko kis tarike se convert karenge percentage mein? To ye bhi NABARD notification mein given hai ki first division, yani ki 60% mark according to the NABARD, 60% aggregate आपका तब कहलाएगा जब आपका 10 pointer में से at least 6.75 GPA आपका होगा, ठीक है? CGPA जो आपका होगा वो it should be 6.75 not 6. तो आपका direct conversion नहीं हो रहा है कि आप सोचें कि आपका 10 में से 6 अगर आपका GPA है तो you cannot apply for the position of NABARD grade A in the general category. You should have at least a GPA of 6.75, CGPA or OGPA of 6.75. Alright, 55% जो category है वो उसमें आएगा 6.25. ठीक है, तो 6.25 का आपको जो CGPA होगा that would be equivalent to 55%, and then 5.75 would be equivalent to 50%, and 5.25 would be equivalent to 45%. ठीक है, this is the conversion rate as per the NABARD, right? So you should understand this before applying for the position of NABARD grade A officer. You should check your percentage, alright, if you are eligible to apply for this position or not. Now talking about the age criteria, so minimum age is 21 years, so you should have a 21, you should be 21 year old to apply for this position, and the maximum age would be 30 years. Okay, so जब भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें वो एक पार्टिकुलर कट ऑफ डेट देते हैं, तो उस डेट तक आप 30 इयर्स के होने चाहिए. उससे ज्यादा अगर आपके एज होगी तो यू वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. राइट, नाउ देयर वुड बी अ रिलैक्सेशन इन एज फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, फॉर द ओबीसी एप्लीकेंट्स देयर वुड बी अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, यानी कि दे वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन अप टू 33 ईयर्स, राइट? तो 30 ईयर मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए, बट अगर ओबीसी एप्लीकेंट है तो 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं. देन देर वुड बी अ मैक्सिमम रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक की रिलैक्सेशन मिल सकते हैं उन एप्लीकेंट्स को, दोज हु बिलोंग टू द एससी और द एसटी कैटेगरी. ठीक है, जो भी सीट्स उनके लिए रिजर्व है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो अब उन रिजर्व सीट्स के लिए दीज एससी एसटी पीपल कैन अप्लाई एंड दे विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स, यानी कि इनका जो अपर एज लिमिट होगा दैट वुड बी 35 इयर्स, राइट? एंड ओबीसी के लिए इट वुड बी 33 इयर्स. नाउ 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है, जिन्होंने कि आर्मी एयरफोर्स जिसमें कि शॉर्ट सर्विस वाले कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों को 5 इयर्स का क्या होगा रिलैक्सेशन मिलेगा एज में. देन इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स होंगे या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स होंगे, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा. चिल्ड्रंस और द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स डाइड इन 1984 राइट्स, ठीक है, तो 1984 के राइट्स में जिनके भी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई थी, तो उन बच्चों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा. देन 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा फॉर द पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. ठीक है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज जो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये डिसेबिलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लेप्रेसी है, लो विजन है, हियरिंग लॉस है, ये सभी डिसेबल्ड लोग इस इन पोजीशन के लिए जो सीट्स उनके लिए रिजर्व है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड दे विल गेट द रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स. ठीक है, अगर कोई पर्सन है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड ही बिलोंग्स टू एन ओबीसी कैटेगरी, तो उनको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि इनका जो अपर एज लिमिट होगा वुड बी 43 ईयर्स.
राइट। और SC ST से अगर बिलोंग करेगा तो उनका 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अपर एज लिमिट वुड बी 45 इयर्स फॉर दीज पीपल, राइट। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ देयर इज अ सर्टेन रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन वुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंड और द प्रेजेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो देयर वुड बी अ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs, OBC category, then we have economically weaker section, right? जो कि अभी last 2 years से ही आपने पढ़ा भी होगा, current affairs में सुना भी होगा, तो economically weaker section में 10% reservation जो है government ने decide किया है। So there's this category in this exam also. Then we have the persons with the benchmark disability, right? और जो डिसेबिलिटी वाला जो आपका कैटेगरी होते हैं या रिजर्वेशन होता है वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, यानी कि दिस रिजर्वेशन वुड बी प्रोवाइडेड विद इन द वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ SC ST OBC और EWS ओनली। नाउ पीपल हु बिलोंग टू द OBC कैटेगरी बट दे कम इन द क्रीमी लेयर वुड नॉट बी इंटाइटल टू द OBC रिजर्वेशन, कीप दैट इन माइंड। तो जो भी OBC में क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम में। सो ये था सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप के लिए कौन सी रिजर्वेशन है, राइट, कितना रिजर्वेशन है। एंड देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एज आपका 21 to 30 है जनरल के लिए, बट देर आर सर्टेन रिलैक्सेशन फॉर दी कैटेगरी, राइट, SC ST OBC एंड देन द पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विस मैन के लिए एज रिलैक्सेशन, राइट। एंड ऑल्सो देर इज अ रिजर्वेशन फॉर द पीपल who are the victims of the 1984 riots, alright? So I hope it's clear, and this was all about the today's session. I hope this is clear to you. I'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep studying. Goodbye.